नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। दोस्तों आज हम आपको 4x लेटर की हेल्प से कैमल यानी ऊंट का चित्र बनाना सिखाएंगे। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो ये हमारे गारंटी है दोस्तों, आप जीवन में कभी भी नहीं बोलेंगे ऊंट का चित्र बनाना। आपको यहाँ पर पहले 4x लेटर इस तरह लिखना होगा। 4x लेटर लिखने के बाद ध्यान से देखिएगा, इस एक्स लेटर से आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर ऐसे बढ़ाना होगा। इधर बढ़ाइएगा, हल्का सा अंदर की तरफ करेंगे, फिर ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और गाइस आप इधर ऐसे मिला दीजिएगा। इस तरह आपको आसानी से मिलाना होगा। मिलाने के बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये वाला एक्स लेटर से आपको हल्का सा पहले अंदर की तरफ यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करिएगा। फिर गाइस आपको इसको ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए यहाँ से बढ़ाना होगा और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ आप ऐसे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर आपको इस ऊंट का ईयर बनाना होगा। इधर ऐसे बढ़ाइए, यहाँ पर ऐसे आसानी से आप बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद दोस्तों एक आगे के सिरे पर आपको एक लाइन छोटी सी ड्रॉ करना होगा। लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद दोस्तों आपसे हमारा बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है। आपको हमें ये कमेंट करके बताना है, ऊंट को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? आपने कभी ना कभी सुना होगा, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर देखिएगा, थोड़ा सा इसको हम और आगे की तरफ यहाँ से ऐसे बढ़ाएंगे। फिर गाइस हल्का सा नीचे की तरफ बहुत ही हल्का सा लाइन ड्रॉ करिएगा। फिर इधर से आगे की तरफ हम ऐसे बढ़ाएंगे, छोटी सी लाइन और आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। इसको हम नीचे की तरफ यहाँ से ऐसे झुका देंगे। नीचे की तरफ करने के बाद इसको अंदर की तरफ ले जाइएगा। इस तरह अंदर की तरफ ले जाएंगे, एक छोटा सा पॉइंट लगाते हुए यहाँ पर एक छोटी सी आप ऐसे लाइन आसानी से ड्रॉ कर दीजिएगा। फिर गाइज यहाँ से हल्का सा अंदर की तरफ करेंगे। अंदर की तरफ करने के बाद एक छोटी सी लाइन और नीचे की तरफ ड्रॉ करिएगा। फिर इसको हमें ऐसे अंदर की तरफ बढ़ाना होगा। बढ़ाने के बाद हल्का सा यहाँ से अंदर की तरफ करिएगा, फिर ऊपर की तरफ आप ऐसे उड़ा देंगे। तो ये हमारा ऊंट का फेस बन के तैयार हो गया। फेस बनाने के बाद आपको आई बनाना होगा। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिएगा, नीचे की तरफ बढ़ाते हुए आप आसानी से इसका आई बना देंगे, छोटा सा पॉइंट लगा दीजिएगा। इधर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आसानी से आप इसको ऐसे डबल कर दीजिएगा। इधर से ऊपर की तरफ बढ़ाइएगा, यहाँ पर भी आपको ऐसे डबल करना होगा। डबल हो जाने के बाद नीचे की तरफ आपको इसको बढ़ाना होगा। इधर से ऐसे बढ़ाइएगा, हल्का सा अंदर बाहर की तरफ करते हुए यहाँ से ले जाएंगे और इधर लाकर आप ऐसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ तक आप ऐसे बनाएंगे। अब आपको इस वाले एक्स से, तीसरे वाले एक्स से इस ऊंट का आपको चित्र वो लेग बनाना होगा। इधर से नीचे की तरफ बढ़ाइएगा, यहाँ से भी आप ऐसे नीचे की तरफ बढ़ाएंगे आसानी से, हल्का सा बाहर की तरफ करते हुए और नीचे की तरफ ले जाइएगा। फिर आप यहाँ से ऐसे बढ़ा दीजिएगा। इधर से आगे की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे, हल्का सा बाहर की तरफ करिएगा, फिर अंदर करेंगे हम। इधर आपको इस ऊंट का यहाँ पर नेल बनाना होगा बड़ा सा, और आगे की तरफ करिए, यहाँ पर आसानी से आप ऐसे मिलाइएगा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इधर से आपको ऊंट का दूसरा लेग बनाना होगा। इधर से करिए, ये बढ़ाइए। फिर गाइस इस एक्स का यूज करते हुए आप यहाँ से ऐसे बढ़ाएंगे, हल्का सा आगे की तरफ, फिर नीचे की तरफ ले जाइएगा आसानी से। यहाँ से इसको डबल करिए, डबल करने के बाद इधर से आगे की तरफ बढ़ाइएगा, यहाँ से हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए यहाँ से हम ले जाएंगे, छोटा सा इधर लाइन, ये बढ़ाइए, यहाँ पर आप ऐसे बना दीजिएगा। ऊंट का दो लेग बन के तैयार हो गया है। नीचे के सिरे से इधर से आप यहाँ पर बढ़ाएंगे और इस एक्स वाले लेटर के साथ आप टच कर दीजिएगा। टच करने के बाद दोस्तों अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। अब देखिएगा, इस एक्स से आपको बनाना है इस ऊंट का थर्ड लेग। इधर से हम बढ़ाएंगे ऐसे हल्का सा, आपको इधर से देखिएगा ध्यान से, यहाँ से आगे की तरफ बढ़ाते हुए नीचे की तरफ करिएगा, ऐसे हम बढ़ाएंगे और इस एक्स को टच करते हुए हल्का सा अंदर की तरफ, फिर बाहर, फिर आप इसको नीचे की तरफ यहाँ पे बढ़ा दीजिएगा। इधर से हम ऐसे डबल कर देंगे। डबल हो जाने के बाद जैसे आपने इधर बनाया है उसी तरह यहाँ पर भी आप लेग बना दीजिएगा। इधर करिए, आगे की तरफ बढ़ाएंगे, यहाँ पर आप ऐसे टच कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, इधर से आपको इसका लेग बनाना होगा। यहाँ पर करिए हल्का सा नीचे की तरफ, यहाँ से हम इसको
डबल करेंगे, नीचे की तरफ बढ़ाएंगे, पतला कर दीजिए। जब आप नीचे की तरफ आएंगे इसको थोड़ा सा आप पतला कर दीजिएगा, इधर से आगे की तरफ यहाँ से बढ़ाइए, एक लाइन इधर आगे की तरफ टच करिएगा, यहाँ पर आसानी से आप ऐसे टच कर देंगे। तो ये हमारा ऊंट का लेग बन के तैयार हो गया है। पीछे के साइड में आपको इसका टेल बनाना होगा, इधर से बढ़ाइए, कितना आसान है दोस्तों, यहाँ से करिएगा और छोटे छोटे लाइनें आप ड्रॉ कर देंगे। अभी हम आपको इस कैमल को कलर भी करना सिखाएंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। अब ध्यान से आपको देखना होगा, ये जो हमने एक्स लेटर बनाया है इधर से आपको कैसे करना है, इधर से बनाइए और इसको आप ऐसे टच कर दीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको भी आप ऐसे लाइन ड्रॉ करते हुए मिलाइएगा। फिर गाइज आपको छोटी छोटी यहाँ पर ऐसे पतली पतली लाइनें ड्रॉ करना होगा, इधर से लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ पर ऐसे बढ़ाइएगा, इसी तरह आप लाइनें ड्रॉ करना होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं और आसानी से कलर भी करना सीख लेते हैं।